महत्वपूर्ण समाचार मळी रह्या छे। सूरत शहर में भारतीय जनता पार्टी गुजरात प्रदेश द्वारा आयोजित स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम नु आयोजन करवामां आव्युं हतुं, जेमां श्रमदान नो कार्यक्रम सूरत ना नावडी ओवारा नानपुरा खाते योजवामां आव्यो हतो। प्रदेश अध्यक्ष सी आर पाटिल उपस्थित रह्या हता अने नावडी ओवारा खाते सफाईनी झूंबेश हाथ धरवामां आवी हती। त्यारे भारतीय जनता पार्टी गुजरात प्रदेश द्वारा स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम नु आयोजन करवामां आव्युं हतुं, जेमां बहोळी संख्यामां लोकोए पण साथ सहकार आप्यो हतो अने गुजरात राज्य प्रदेश अध्यक्ष एवं सी आर पाटिल साहेब पण उपस्थित रह्या हता। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब ने आज समग्र पूरे भारत देश में एक अभियान लिया है, एक तारीख एक घंटे श्रमदान, और उसमें एक घंटे लोगों के पार्टिसिपेशन से सभी जगहों पे स्वच्छता की जुम्बिश की जाए और लोग स्वच्छता की जुम्बिश में पार्टिसिपेट करें, इस उद्देश्य से यह अभियान लिया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल साहब के मार्गदर्शन में आज सूरत महानगर पालिका में भी ये जुम्बिश ली गई है और 60 जगहों पे ये जुम्बिश की जा रही है, जिसमें लोगों को साथ में रख के स्वच्छता जुम्बिश की जा रही है। आज का जो मेन प्रोग्राम है उसमें माननीय सी आर पाटिल साहब और अन्य एमएलए श्री और अन्य पदाधिकारी श्री उपस्थित हैं, माननीय मेयर श्री, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन श्री, वो लोग भी अलग अलग जगहों पे इस स्वच्छता जुम्बिश में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं शहरजनों को बस यही मैसेज देना चाहूँगी कि स्वच्छता जो है वो जन भागीदारी का एक आयाम है और उसमें आप सभी का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, इसलिए कचरा डस्टबिन में ही फेंके हैं। कल 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है, क्या है? सबको गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों, नमस्कार मित्रों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब द्वारा 1 ऑक्टोबर एक तारीख अने एक कलाक सफाई करवा माटे आखा देशना तमाम नागरिकों ने अपील करी छे अने एना अनुसंधाने आखा देशना सौ नागरिकों पोते पोताने थी थाय त्यां पोते होय त्यां आ एक कलाक सफाई झुंबेश करीने जाहेर स्थलों ने साफ करवा, दरिया किनारो, नदी किनारो के अलग अलग विस्तार नी अंदर आ झुंबेश शुरू थई छे। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहेब ना अपील ने खूब सारो प्रतिसाद मळ्यो छे। पोते आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहेब पण आ झुंबेश में जोड़ाईने सफाई करी रह्या छे। सूरत शहर में पण 36 वोर्ड 30 वोर्ड में दरेक वोर्ड में 2 जगह एम 60 जगह सफाई माटे कार्यकर्ताओं महानगरपालिकाना सफाई कर्मचारी भाई बहनों अने शहरना नागरिकों ने साथे राखीने आ सफाई झुंबेश आधारवामां आवी छे अने दरेक जगह ओछा ओछा 1500 लोको होय ए रीते आयोजन करवामां आव्युं छे। આજે પણ આ નાવડી ઓવારા ઉપર 2000થી વધુ આ શહેરના નાગરિકો, ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ, આગેવાનો અને સફાઈ કર્મીની ટીમ અહીં હાજર છે। પ્રિન્સિપલ કમિશનર પોતે પણ એમાં જોડાયા છે, અધિકારીઓ પણ જોડાયા છે અને એ રીતે આ સફાઈની ઝુંબેશ સુરત શહેરમાં ખૂબ જ સરસ રીતે ચાલે છે। આખા ગુજરાતમાં ગઈકાલે અમે વર્ચ્યુઅલ મીટિંગ દ્વારા બધા જ શહેર અને જિલ્લાના પ્રમુખો, મહામંત્રીઓ, દરેક ધારાસભ્યો, સાંસદો આ દરેકને આ ઝુંબેશમાં જોડાવા માટે અનુરોધ કર્યો છે। બધા જ ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિ અને પદાધિકારીઓ પણ આમાં જોડાયા છે અને એના કારણે આખો દેશ જે વાઇબ્રન્ટ થયો છે, બધા જ ભેગા થઈને જે રીતે સફાઈમાં જોડાયા છે, ચોક્કસ એના સારા પરિણામો હશે અને આવનારી પેઢી પણ આ સફાઈ ઝુંબેશમાંથી પ્રેરણા લઈને ચોખ્ખાઈ રાખવા માટે વધુ સક્રિય થશે, જે મહાત્મા ગાંધીજીને ઈચ્છા હોય છે હતી સફાઈ માટેનો અમનો જે આગ્રહ હતો, દુરાગ્રહ કહી શકાય એટલો જે હદ સુધી એમનો આગ્રહ હતો એનો આજે પ્રતિબિંબ પડે છે અને આ સફાઈનું મહત્ત્વ આજે લોકો સમજ્યા છે ને એટલા જ માટે આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી મોદી સાહેબે આજે આહ્વાન કર્યું છે। આવતીકાલે પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીના તમામ પદાધિકારીઓ, ચૂંટાયેલા લોકો સૌ મળીને એક સાથે 11 વાગે
દરેક જણ ખાદી ખરીદે એનું પણ આહવાન થયું છે. ગાંધી જયંતિના દિવસે લોકો ખાદી ખરીદે અને ખાદીને પ્રોત્સાહિત કરે એ માટેનું પણ આહવાન મોદી સાહેબે આપ્યું છે, એમાં પણ બધા જોડાવાના છે. ધન્યવાદ. નૈતિક રેશમવાલા, વી ઇન્ડિયા ન્યૂઝ, સુરત.